मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरडी में अबवा आवास की सौगात दी है गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लगभग पैंतीस हजार लोगों को अफवाह आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया गया इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान एक सौ करोड़ इक्यावन लाख की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास किया गया इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंच से बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले तीन महीने में दो लाख लोगों को अफवाह आवास दिया जाएगा हजारीबाग और अगले दिन गिरिडीह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिडीह पहुंचे चंपाई सोरेन ने एक करोड़ की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास किया साथ ही छह योजनाओं का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने चौहत्तर लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया मुख्यमंत्री ने लगभग पैंतीस हजार लाभुकों को आवास का स्वीकृति पत्र सौंपा साथ ही अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ी घोषणा भी की ये सब काम यदि गलत है आप लोग बताइए अबू आवास आज दो लाख शुरुआत हुआ तो, तो कल नौ लाख हम करने जाए एक गलत तो नहीं होगा इसीलिए पार्ट टू लेके हम कम करने जा रहा और एक यूनिट के बिजली के बीच में हमें 125 मिनट यूनिट कर दिया है जो 30 लाख कंजूमर को फ्री बिजली मिलेगा झारखंड प्रदेश में चंबई सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर उन्होंने कहा कि तब 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे जिससे नुकसान गरीबों को हुआ ये सरकार तय तो किया है कोई भी परिवार का हो अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो चाहे दस लग लाख लगे चाहे बारह लाख लगे चाहे तेरह लाख चाहे पंद्रह लग लाख लगे उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंजीनियर करने के लिए मेडिकल करने के लिए और डिप्लोमा करने के लिए पैसा दिया जाएगा विकास की चर्चा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जिक्र हुआ चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और बिना सबूतों के कार्रवाई की जा रही है जहाँ हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता ना बोही में नाम है और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया इसीलिए झारखंड के जनता आज इसलिए हम केंद्र एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं जनता भी सवाल खड़ा किया भेदभाव नहीं करो स्वतंत्र रूप से कम करे हमने स्वागत करेंगे कि जो आपने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन पूर्ण बहुमत की सरकार को पांच साल के लिए चुना एक सोची समझी साजिश के तहत राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक कुंसित प्रयास था वो प्रयास आप जैसी झारखंड की महान जनता ने उस प्रयास को ध्वस्त करने का काम किया लेकिन इस सरकार ने चार वर्षो में साठ बरस उम्र वाले को चाहे विधवा पेंशन हो वृद्धा पेंशन हो विकलांग पेंशन हो एक अभियान चलाया पिछले साल हेमंत सोरेन की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन लिए गए थे और अब उसका स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है इसी के तहत तीन जिलों गिरिडीह धनबाद और बोकारो के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया गया ब्यूरो रिपोर्ट कशिश न्यूज